कविताएं जहां जी चाहे वहां रहती हैं, कभी नीले आसमान में, कभी बंद खिड़कियों वाली सकरी गली में, कभी पंछियों के रंगीन परों पर उड़ती हैं कविताएं, तो कभी सड़क के पत्थरों के बीच यूं ही उगाती हैं। कविता के अलग अलग रूपों को समर्पित है हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला प्रतिदिन एक कविता। कीजिए एक नई कविता के साथ अपने हर दिन की शुरुआत। आज हम सुनेंगे अरुण कमल की कविता अमर फल, उन्हीं की आवाज में। तोते का जुठाया अमरूद दो मुझे, जिसके भीतर की लालिमा फूटती हो बाहर, गिलहरी के दांतों के दाग वाला जामुन दो काला, अंधकार के रस से भरा हुआ, पक कर अपने ही उल्लास से फटता एक फल दो शरीफे का, और रस के तेज वेग से जिस ईख के फटे हो पोर, वह ईख दो मुझे, और खूब चौड़े थन वाली गाय का दूध, जिसके चलने भर से छीमियों से झरता हो दूध। मुझे 56 व्यंजन नहीं, बस एक फल दो, सूर्य का लाल फल, अंधकार का काला फल, जिसे बस एक बार काटूं और अमर हो जाऊं, वही अमर फल। ये पहला खंड है। दूसरा खंड है, सबसे अच्छे फल थे वे जो ऋतु में आए, जब पौधा था पूरे उठान पर, लेकिन सबसे अंतिम फल ही जो पड़े डाल पर ज्वाए, टेढ़े बांगुर अगली ऋतु के लिए सहेजे हमने, वही अमर फल। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की यह प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए, तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें, 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।